बृहस्पति भी है और इस हफ्ते हमने टीचर्स डे मनाया है, तो मेरे दो टीचर्स जो हैं अमित जी और फारा जी को मैं आज ये जो गणपति है मैं आप दोनों को गिफ्ट करना चाहूंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरी पहली फिल्म ओम शांति ओम में फारा मैम ने मुझे फारा जी ने मुझे किया मम्मी। फारा फॉर मी इज लाइक माय मदर। और जब मैं 16-17 साल की थी तब मैं मुंबई आई थी और अगर फारा खान नहीं होते मेरी लाइफ में तो शायद मेरे माँ बाप मुझे मुंबई आने नहीं देते। तो ग्लैड आई वाज देयर क्योंकि अगर ये नहीं होती तो बॉलीवुड में बहुत बड़ा लॉस होता। और आज जो कुछ भी मैं हूँ थोड़ा बहुत जो मैंने अचीव किया है या एक्टिंग के बारे में या इस क्राफ्ट के बारे में जो मैंने सीखा है वो सब फारा मैम से ही किया है। तो थैंक यू, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे लवली, थैंक यू सो मच। और अमित जी जो मेरे ऑन स्क्रीन बाबा हैं आप सब जानते हैं, हमने एक फिल्म की थी पीकू जो एक बहुत ही खास और स्पेशल फिल्म है। और आज भी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है तो आई ऑलवेज से पीकू। आई एम वॉकिंग आउट राइट नाउ एंड आई एम आल्सो वॉकिंग। इस कार्यक्रम में झूठ बोलना अलाउड नहीं है। खाने का तारीफ क्यों करने जा रही है? तारीफ करके बोल रही है पीकू फेवरेट। नहीं मतलब हमारी भी तारीफ क्यों कर रही है? हमारी आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? ओम शांति ओम। ओके ओम शांति ओम एंड पीकू आप बोथ माय फेवरेट। ओके आई थिंक एज एक्टर्स सर वी लर्न सो मच फ्रॉम यू बट मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला एंड आई थिंक जो इंस्पिरेशन मैंने आपसे लिया है और पूरी इंडस्ट्री ने जो आपसे लिया है not just professionally but also personally ek bhi baat manna mat sir what are you saying jo koi aata hai industry mein unka ek khwab hota hai ki amit ji ke sath wo ek scene kare ya ek gana kare ya inki bhi baat manna mat bilkul sir yaar you know that sir aapko pata hai acha ye hamare liye hai jaldi se ji bahut bahut dhanyawad aapka थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू। इसको मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ और ये मैं अपने पास रखूंगी और आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर के अपना सीट धारण करें। कम कम से तालियों के साथ एक बार फिर कम से यू डोंट नीड द लैडर। तो आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति? इनका परिचय देना मैं अपनी औकात से बाहर समझता हूँ तो अपना परिचय नहीं मैं दूंगा। जान गए आप लोग दीपिका पादुकोण फराह खान बहुत ही अद्भुत इनका योगदान रहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोनों की हमारा ये आज विशेष कार्यक्रम है। जितने भी हम अपने मेहमानों को यहाँ आमंत्रित करते हैं वो आते हैं किसी एक विशेष काम के लिए। कोई एक ऐसी आपका कोई कॉज हो जिसके लिए आप यहाँ पर आएँ और ढेर सारी धनराशि ले करके जाएँ। तो आप बताएंगे आप सर 2014 में मुझे डिप्रेशन हुआ था और उसके बाद मैंने एक मेंटल हेल्थ फाउंडेशन सेटअप किया था और जब मैं उस चीज़ से गुजर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि लोग मतलब इस चीज़ के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत एक स्टिग्मा था और जानकारी भी नहीं थी। तो ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंस मुझे ऐसे लगा कि अगर मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसी चीज़ को शायद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। मेरा एम्बिशन यही था कि अगर मैं एक भी ज़िंदगी को मैं बचा सकती हूँ तो आई फील लाइक माई पर्पस वॉज यू नो वॉज डन। सो अब 5 साल हुए हैं एंड आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे। ये बहुत ही आवश्यक बात आपने कही है। फरा आप
जिस काज के लिए काम करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। देवियन संजो फारा जो हैं, इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसे मैंने भी देखा है। ये एक 17 महीने के एक छोटे से अयांश मदन बच्चे का नाम है, उस पर इन्होंने बनाया था। वो एक बीमारी से पीड़ित हैं और उनके इलाज में मदद के लिए ये आज यहाँ पर खेलने जा रही हैं। इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे इनसे और बाद में आयांश के बारे में बात करेंगे। सर अभी मत कीजिए, मैं रोने लग जाऊंगी। नहीं नहीं, तो नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति हो आपकी। तो एक बार फिर दीपिका जी और फराह, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर हैविंग अस। क्योंकि आप लोगों ने खेल देखा हुआ है, आपको तो मालूम ही है गेम के रूल्स। और आपकी सुविधा के लिए यदि आप अटक जाए कहीं पर तो 4 लाइफलाइन हमने रखी हुई। यस सर। ये देखिए आ गए 4 लाइफ। इधर आना भैया, इधर बगल में। इधर ये तो हमारे आज के एक्सपर्ट देवियों सज्जनों हैं, टेक गुरु राजीव मखनी। वाओ राजीव जी, प्रकट होइए हमारे सामने और अपनी बधाई और शुभकामनाएं दीजिए। आपको साथी ने तो आए राजीव। राजीव जी के लिए जोरदार तालियां बज जाएं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। तो राजीव जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये चारों लाइफलाइंस हमने आपको दिखा दी हैं। देखिए कभी भी आपको लगे कि थोड़ा सा डाउट है, संदेह है, चांस मत लीजिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ, ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जितने भी नेक काज आप कर रहे हैं। तो गणपति जी भी साथ में हैं। बिल्कुल साथ में हैं, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। ऑलराइट, रेडी? पहला प्रश्न, 1,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, मुंबई में बोलचाल की भाषा में किस प्रकार के व्यक्ति को आमतौर पर भट्टू कहा जाता है? अच्छा मेरी तरफ देख के हंसी हो रही है। नहीं सर, आपकी तरफ। ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे को देख के हंसी हो रही है। बहुत फट्टू आदमी है। ओके, इन मुंबई स्लैंग व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज यूजुअली रेफर्ड टू एज फट्टू? ऑप्शन सुनिए, ए लेजी, बी रिच, सी हैप्पी, डी स्केर्ड। डी स्केर्ड, डरपोक। डी डरपोक। बोलता ना तू फट्टू है फट्टू। शोर है? शोर सर, हमारी इंडस्ट्री में बहुत है। आलसी, अमीर, सुखी या डरपोक? डरपोक। डरपोक, डरपोक। कंफर्म है सर? ओके, कंफर्म कर दिया। टीपे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया, 1,000। अच्छा भारत जी देखिए, हालांकि कार्यक्रम जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन हमारे आप में ऐसी बात चल रही है, हमारी आपने कहा ना इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे हैं फट्टू, एक आध कब बताएंगे नाम? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं सुन रहा है आप। अच्छा ठीक है, अलग से हम अपने वैन में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, 2,000 रुपए ऑन योर स्क्रीन नाउ। सफेद, भूरा और काला किस खाद्य पदार्थ की किस्में हैं? व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक आर वैरायटीज ऑफ विच फूड आइटम? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए व्हीट, बी राइस, सी कॉर्नफ्लावर, और इज इट डी बार्ली, गेहूं, चावल, मक्के का आटा या जौ? सर ये फूडी है बहुत बड़ी, तो अच्छा, ये बताएंगी बी चावल। चावल, बी राइस सर। कंफर्म है? कंफर्म्ड है। दीपिका जी जी सहमत हैं आप? सर मैं सिर्फ व्हाइट वाला खाती हूँ इसलिए मुझे पता है। अच्छा, बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी ये भी सही उत्तर दिया, 2,000 सर खाने के मामले में। ऑलराइट, अभी इन्होंने एक खुलासा कर दिया है आपका। एक आम इंसान जो है ना, आमतौर पर दिन में 3 दफे खाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 दफे खाता है। हम अपने दर्शकों को बता दें क्योंकि हम अनुभवी हैं, ये हर 3 मिनट में खाना खाती है। जी सही बात है, हमने इनके साथ 2 फिल्में की हैं। हर 3 मिनट पे एक इनका आदमी आता है डोंगे में और ये बस खाना शुरू कर देती हैं। कभी इतना नहीं हुआ कि अमित जी आप कुछ लेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैं अभी कहने वाली थी कि मैं हमेशा, मेरा खाना जब भी मैं डब्बा खोलती थी तो अमित जी आके क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो,
और पूरा मेरा डब्बा फिनिश करते थे और इसलिए मुझे हर 3 मिनट में मुझे खाना पड़ता था। हमने क्या कहा था? देखिए इस कार्यक्रम में झूठ बोलना अलाउड नहीं है। You didn't offer him हर 3 मिनट पे, सुनिए, हर 3 मिनट पे कोई एक कटोरा लेकर के आ जाएगा तो मैं तो जानना चाहूंगा ना ये क्या हुआ। मुझे खाने का बहुत बड़ा शौक है ये तो सच है, पर सर मेरा खाना चुराते थे ये भी मैं कह सकती हूँ। हमने एक बार भी नहीं चुराया। सर मेरे साथ वो इसीलिए अब काम करती हैं ताकि मैं घर से खाना लाऊं इनके। वही मैं पूछने वाला हाँ। था कि देवी जी आप जो बिरयानी खिलाते हैं ना अपने कलाकारों को, सबको आपने खिलाया है, सर, इसीलिए हमने भी आपके साथ काम किया है, एक बार भी आपने नहीं पूछा कि सर आप बिरयानी खाएंगे। सर देखो आप वेजिटेरियन हो और हमारे घर में वेजिटेरियन बिरयानी जैसी कोई चीज बनती नहीं, नहीं है। बट होती है वेजिटेरियन बिरयानी की नहीं? सर उसको वेजिटेबल पुलाव कहते हैं, उसको बिरयानी नहीं कहते। गाड़ी मामा मुझे जाना है यार, खेलने के लिए आपके लिए मैं आपके लिए वेज पुलाव लेके आऊंगी जिसमें पनीर होगा। ओके वेज पुलाव की आशा रखते हुए हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहती थी कि मैंने हमेशा देखा है कि जब भी औरतें आती हैं शो पे तो वो हमेशा उनके हस्बैंड्स के बारे में कंप्लेन करते हैं, तो मैं भी एक कंप्लेंट लेके आई हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं काफ़ी सालों से उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे और आज तक वो नहीं हुआ है। और जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कब बनाने वाले हो तो वो हमेशा कहते हैं कि आज मैं बिज़ी हूँ या आज मेरा शूट है या ये या वो। तो ऑब्वियसली आफ्टर अ पॉइंट, क्या आपने कभी खाना बनाया है सर? मैंने जी अंडा बॉयल कर सकता हूँ मैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। गरम पानी, अंडा लिया, उसमें डाल दिया, उबल गया, हो गया ब्रेकफास्ट। ये अंडा आपने किसके लिए उबाला है सर? जया जी के लिए? अभी हम घर जाएंगे ना, निश्चित रूप से आज हमको बहुत मार पड़ने वाली है, कृपया करके इस विषय को मत उठाइए। तो आप कह रहे थे कि वो बनाते ही नहीं है? आज तक उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दिया है। ओके एक फोन कॉल लगाते हैं उनको, बताएंगे नहीं उनको क्या है। Okay. ऐसे ही फोन कर लगाते हैं, देखते है ना। ए कंप्यूटर जी, ए रणवीर से बात हो सकती है क्या? सो रहे होंगे अभी। आपको कैसे मालूम कि सो रहे हैं? पता नहीं, या शूट पे होंगे, पता नहीं। हेलो रणवीर। हेलो रणवीर सर। सर तालियों के साथ आपका स्वागत करता हूं, हम केवीसी से बोल रहा है। रणवीर ये आपकी जो पत्नी है बहुत कंप्लेन कर रही है आपके बारे में। दीपू मेरे बारे में कंप्लेन कर रही है? हाँ कह रहे हैं आप खाना नहीं बनाते इतने सालों से, बोल रही हैं। दीपी कमाल है, आपने मेरे को बताया कि आप केबीसी में जा रहे हो, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की कि बच्चन साहब को मेरे वार्म रिगार्ड देना, वार्म रिगार्ड देने के बदले तुम कंप्लेन कर रही हो मेरे बारे में, कमाल है यार। पहले ब्रेकफास्ट बनाओ फिर मैं वार्म रिगार्ड दूंगी। अरे पगली मेरे को जो बोला था बताने के वो बताया है कि नहीं? आप तुम पहले ब्रेकफास्ट बनाओ फिर मैं बताऊंगी। कमाल है यार, कितनी प्राइड है यार तू। रणवीर पारा, अरे तू ऐसे मेरी बेबी से कैसे शादी कर ली झूठे वादे करके कि ब्रेकफास्ट बनाऊंगा एंड ऑल। मैं तो जितने वादे किए थे उससे ज्यादा वादे पूरे किए यार, मैं तो ओवर डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा कैसे बताओ? अबे हस्बैंड ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मुझे ही जाना है। वो तो मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा देवियों सजनों मैं आपको बता दूं कि ये जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रहा है ये केवल इनका पर्सनल है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। हाँ जी बढ़िया कंपनी। ये जो बैरिटोन आवाज आ रही है वो मेरी है, फोन से नहीं, वो मेरे दिल से आ रही है, ये आदमी मेरे दिल में बसा हुआ है, मेरे रगों में। अच्छा रणवीर, ये आदमी, अच्छा ठहर जाओ, मैं अपने दर्शकों को यहाँ भी सबको बताना चाहता हूँ, ये दिल से जो बात आ रही है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे साथ भी एक दुर्घटना हो गई, ट्रेजिडी। देवी संजो मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जैसे कि अवार्ड सेरेमनी वगैरह होता है ना, हम लोग सब जाते हैं,
पुरस्कार लेने, इस उम्मीद के साथ कि हमको कुछ पुरस्कार मिल जाएगा, तो हम भी गए हुए थे और रणवीर भी थे उसमें जी। वो आ रहे थे एक क्रेन से ऊपर ऐसे, और गाना बज रहा था और कपड़े अपड़े पहने उन्होंने और हाथ में माइक्रोफोन गाते हुए आ रहे थे। और जब तकरीबन यहाँ पहुँचे, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तक पहुँचे तो मेरी तरफ देख के उन्होंने यूं किया, हो सकता है कि शायद वो कह रहे मुझे भी ऐसा करा, तो मैंने भी ऐसे किया। तो उसके बाद उन्होंने फिर ऐसे किया, तो मैंने भी फिर से ऐसे किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो माइक्रोफोन था वैसे फेंक दिया, तो मैंने माइक्रोफोन पकड़ लिया, मैंने कहा यार क्या बात है, फिर से मैंने ऐसे किया। ये सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा। मेरे बगल में जया जी बैठी थी, बहुत आहिस्ते से कान में आए, ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है। मैंने कहा फिर बगल में देखो कौन बैठा है, बगल में दीपिका जी बैठी हुई थी। तो ये सर जो था ये तब चल रहा था और तब इनका ब्याह नहीं हुआ था। रणवीर, am I right or wrong? Sir, you are absolutely right. I remember this ever so clearly. आप बैठे थे और आपके बगल में मेरी धर्मपत्नी बैठी थी। मैंने कहा क्या बात है यार, तब धर्मपत्नी नहीं थी। का सबसे स्पेशल स्पॉट है, मेरा दिल मेरी जान के साथ बैठा है, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है। सर मेरे को ये बताओ कंप्लेंट क्या थी? खाना नहीं बनाते हैं आप? मेटाफोरिकली स्पीकिंग पापड़ तो बेल ही रहा हूं ना मैं। हाय हाय, तो शादी से पहले इन्होंने वादा किया था कि आप बनाएंगे ब्रेकफास्ट उनके लिए और अभी तक बनाया नहीं है। भाई साहब बना ही दीजिए। अब बच्चन साहब ने बोल दिया, अब तुझे मैं गोद में बिठा के ऑमलेट खिलाऊंगा, देख ले। ओहो, मैं फोटो खींच के मैं भेज दूंगी सबको। वैसे अमित जी ने सिर्फ ऑमलेट खिलाने को बोला था, गोद में बिठाने को नहीं बोला था। थैंक यू सो मच रणवीर, वंस मोर बिग हैंड फॉर रणवीर सिंह। दीपिका फराह ध्यान दीजिए, अब हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। अगर कोई फिटबिट खरीदता है तो वो किस तरह का उत्पाद खरीदता है? इफ समवन मेक्स अ फिटबिट परचेस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट हैव दे मोस्ट लाइकली परचेस्ड? और ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए ब्लूटूथ स्पीकर्स, बी LED लाइट्स, सी स्मार्ट वॉचेस, या डी माउस। हिंदी में बोलता हूँ, ब्लूटूथ स्पीकर, एलईडी लाइट, स्मार्ट वॉच या माउस। सर टाइमर पहले चालू हो गया। सर ये मैंने बहुत खरीदे हैं और कभी यूज नहीं किए हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये सी स्मार्ट वॉचेस। श्योर हैं? हाँ जी सर, कंफर्म। मेरे घर में बहुत बोल रहे हैं कंफर्म, स्मार्ट वॉचेस, यानी कि स्मार्ट वॉच पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। दीपिका फराह ध्यान दीजिए, अब 5,000 रुपए, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पे को पहचानिए जो लॉकडाउन के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ट्रेंड कर रहा था। आइडेंटिफाई दिस बेवरेज दैट बिकेम अ पॉपुलर ट्रेंड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। और आपके ऑप्शंस ये रहे, ए ओ, ये तो एक तस्वीर है, तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद आपके सामने विकल्प रखूंगा। हे तस्वीर दिखाई जाए। इधर भी देख सकते हैं और इधर सामने भी देख सकते हैं। सामने देखेंगे तो आपका खूबसूरत चेहरा जो है वो जाएगा दर्शकों को। सर अब ऑप्शन के बाद ही मालूम पड़ेगा। हो सकता है अगर आप चाहें तो वहां चल के जाकर के देख लिया। दिख रहा है। Can we taste it, sir? ये बताता नहीं है। ये बताना अलाउड नहीं है। अब आपके सामने विकल्प रखूं? हाँ जी सर। All right, ये रहे विकल्प। A, Dalgona coffee, B, Americano, C, filter coffee, या D, vanilla milkshake। We think it's... I think हमें लग रहा है कि Dalgona coffee है, क्योंकि vanilla milkshake lockdown में क्या करेंगे? सर हम डालगोना कॉफी कंफर्म करना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, डालगोना कॉफी कर रहे हैं, कंफर्म कर दो, कर दो।
अरे वी कांट लूज ऑन सच अ आपसे कहा था नजदीक जाकर के देख लीजिए ना एक बार सर हम पे 5,000 पे आउट हो जाएंगे नहीं नहीं अमेरिकनों नॉट इवन 5,000 3,000 सर क्योंकि बाकी के थोड़े नॉर्मल साउंड कर रहे हैं दिस इज नॉट वेनिला मिल्क शेक इट्स नॉट अमेरिकनो इट्स नॉट फिल्टर कॉफी हाउ डू यू नो इट्स नॉट अमेरिकनो सर बिकॉज अमेरिकनो इज ब्लैक कॉफी और साइड में मिल्क अरे भैया कांच में आपने देखा कांच था उसके चारों तरफ दिखेगा नहीं कि काला है कि सफेद है कि पीला है सर ये तो सफेद है सर हाँ तो कांच था ना वो तो ग्लास ग्लास नो द सफेद इज कमिंग फ्रॉम द इंग्रेडिएंट ये हमको पता नहीं ग्लास नहीं है ये व्हाइट कलर का मग है व्हाइट कलर का मग है बिल्कुल सही कह रही हैं बट सर ये बाकी सब तो नॉर्मल है उसमें क्या है डालगोना ऐसे साउंड करता है कुछ एग्जॉटिक कॉफी है चलिए हम मान जाते हैं ये बिल्कुल सही जवाब है राइट अब आ गया खेल का पहला पड़ाव पांचवा प्रश्न हाँ जी मूल्य है 10,000 रुपए बहुत ध्यान से खेलिएगा पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा परफेक्ट 10 स्कोर का संबंध इनमें से किस खेल से है बता दे सर हिला रहे हैं विद विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स वुड यू एसोसिएट द स्कोर ऑफ परफेक्ट 10 ऑलराइट एंड योर ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन नाउ ए स्विमिंग बी फुटबॉल सी जिमनास्टिक्स डी बैडमिंटन सर हमारी स्पोर्ट्स की नॉलेज माइंड ब्लोइंग है ये सी जिमनास्टिक्स है दीपिका सहमत हैं आप जी क्या करें लॉक किया जाए कंफर्म है सर मुझे याद है नाडिया कोवानिची को परफेक्ट 10 मिले थे वो ओलंपिक्स में ऑलराइट तो जी तो जैसी जिमनास्टिक्स जिमनास्टिक्स ही पता लगा जाए सही जवाब है आपका 10,000 रुपए पहला पॉप पास हो गया और आपने जो जानकारी दी इतनी जानकारी इनको स्पोर्ट्स के बारे में ना दिया कम परफेक्ट 10 वी आर डूइंग वेरी वेल सो फार वी हैव अर्नड 10,000 रुपीस ऑलराइट अब जो धुकधुकी जी हैं अब आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के थोड़ा सा समय और मिल गया आपको छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा 1951 की फिल्म अलबेला के गाने ओ बेटा जी के अनुसार किस्मत की हवा को किस रूप में वर्णित किया गया है अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग ओ बेटा जी फ्रॉम द 1951 फिल्म अलबेला व्हाट आर द विंड्स ऑफ डेस्टिनी डिस्क्राइब्ड एज बी ऑप्शन सुनिए ए बर्फीली बी तेज मध्यम सी नरम गरम या डी तूफानी तेज मध्यम तूफानी नरम गरम या बर्फीली सर ये अभी अभी लूडो फिल्म आई थी उसमें ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ है तो इट्स सी नरम गरम श्योर है श्योर सर कंफर्म कर दें यस सर दीपिका आई ट्रस्ट मां 1951 की बात है हाँ सर मैं पैदा नहीं हुई थी तब और उनके बारे में तो सोचा भी नहीं गया था इनके माता पिता ने शायद है ना ऑलराइट नरम गरम सी कंफर्म हो गया है तब आ गया जाए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं और गाना है सर ऐसे भगवान दादा का आपने रीइन्वेंशन जो किया उनके स्टेप का नहीं, हमने कुछ रीइन्वेंट नहीं किया आप तो जानते हैं कि हमको नृत्य वगैरह आता नहीं है अच्छा क्योंकि आपने जितने डंडे मारे हैं मुझे उसके बारे में मैं अभी बयान नहीं कर सकता हूं बहरहाल अभी वक्त नहीं है आई एग्री विद यू सर सर आगे आगे ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपको पता है जिस तरह से भगवान दादा नृत्य करते थे लगता नहीं था कि वो हिल रहे हैं लेकिन कितना रिदम होता था एकदम मक्खन की तरह उनका शरीर आगे पीछे चलता था सुपर पर सर आपने भी फिर उसको अच्छा इसका इसलिए हमने नहीं वर्णन किया था ओके आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा एक और तस्वीर दिखाई जाएगी आप इस चित्र में 100 पुत्रों का वरदान मांगने वाले ये पात्र कौन है हु इज दिस कैरेक्टर इन दिस इमेज आस्किंग फॉर अ बून of 100 sons. Can we see the image, please? Savitri.
विकल्प डालने की जरूरत है या नहीं सर? अच्छा डाल दें। हाँ जी। आपके सामने विकल्प हैं चार, ए गांधारी, बी सावित्री, सी शकुंतला या डी दमयंती। सर सर बी सावित्री। श्योर हैं? क्योंकि वो यमराज, उनके हस्बैंड जब मर जाते हैं, शी फॉलोज हिम टिल यमराज एंड शी वांट्स द हस्बैंड बैक, बट वो कहते हैं कि नहीं, तो बोलती है मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद एंड यमराज जी गिव्स इट टू हर एंड किसे अगर पति नहीं होंगे तो मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे, तो इसीलिए बी सावित्री। क्या करें, कंफर्म करके लॉक करते हैं? यस सर प्लीज कंफर्म करके लॉक कर दीजिए, बी सावित्री एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल प्लेड, आपने जीत लिया। इतना कुछ ज्ञान है आपके पास सारा जी, आप कह रहे हैं कि आपको ज्ञान ही नहीं। सर बचपन में अमर चित्रा कथा पढ़ने का यही फायदा होता है। हो हो। तो देवेंद्र सर, ये जो इमेज आपने देखी, छवि देखी, ये अमर चित्र कथा जैसा कि कह रहे थे सारा जी, अनेक अनेक धन्यवाद मैं उनको देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ये हमें मिला। ऑलराइट, देखिए ये जो हमारा शानदार शुक्रवार कार्यक्रम होता है, ये न केवल विशेष लोगों को बुलाता है लेकिन ये आकर के यहाँ पर किसी एक नेक काज के लिए काम करता है। हम चाहते हैं फरा, अगर आप आज्ञा दे तो हम वो वीडियो दिखाना चाहते हैं। यस सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों को पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अयांश मेरे घर में 12 साल के बाद आया, ये एक तरह से हमारी मन्नतों का बच्चा था। सिक्स मंथ तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं मेरे हस्बैंड अयांश के साथ बहुत खुश थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने नोटिस किया कि 7 मंथ में कि अयांश के हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट्स कम हो रही है, जबकि 7 मंथ का बच्चा लेग्स को अप डाउन करता है, लेकिन अयांश ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। जब डॉक्टर से कंसल्ट कराया तो उनके कहने के मुताबिक हम सब टेस्ट कराते गए, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आया। उन्होंने फिर अयांश के लिए लास्ट में हमें जेनेटिक टेस्ट रेकमेंड किया और हमने अयांश का जेनेटिक टेस्ट करवाया। तब हमें डॉक्टर ने बोला कि अयांश की रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है, अयांश को SMA है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक रेयर जेनेटिक डिसीज होती है जिसमें बच्चे को उठने बैठने में, खाने पीने में, इवन सांस लेने तक की भी दिक्कत हो जाती है। जब तक अयांश 2 साल का होगा, एक दवाई है ज़ोलगेंसमा, जो आई वांट टू टेल यू सर ये वर्ल्ड की सबसे महंगा इंजेक्शन है, जिसका कॉस्ट इन इंडिया है 16 करोड़ रुपए। एक दवाई का, जिससे इसकी जान बच सकती है। दे आर वेरी मिडिल क्लास पेरेंट्स। उनकी तस्वीर देखिए, कितना प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूट है। उसको उन्होंने प्रॉप अप करके, क्योंकि वो अपने आप बैठ भी नहीं सकता है। वी वांट टू सेव दिस चाइल्ड सर। अभी तक कुछ धनराशि इकट्ठा हुई है? सर अभी तक 6 करोड़ रुपए हो चुके हैं। ओके, ऑलमोस्ट 6.5, तो हमें और 9.5 10 करोड़ के करीब, अराउंड दैट मच वी नीड। तो आई वांट टू से कि 100 रुपए 50 रुपए जितना आप दे सके प्लीज, क्योंकि ये जब 2 साल का हो जाएगा ना सर, तो ये इंजेक्शन फिर काम नहीं करेगा उस पे। अच्छा, उसके बाद नहीं? सो ज्यादा टाइम, मतलब टाइम वो टाइम लिमिट है, तो अक्टूबर नवंबर में ये 2 साल का हो जाएगा, देन वी कैन नॉट सेव हिम। सो थोड़ा, तो हमारे जितने भी दर्शक आज का कार्यक्रम देख रहे हैं और फराज जी की बातें सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपनी तरफ से जितना कुछ दान पुण्य कर सकें इस बेचारे छोटे से प्यारे से बच्चे के लिए वो करें। अगर मैं एक छोटा सा अनुमान लगाऊं तो मुझे लगता है कि अगर 10 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है, तो अगर भारतवासी, 1 करोड़ भारतवासी केवल 10 रुपया दें, सर क्या तो बात, 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सके। क्या बात कही है सर, थैंक यू। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितना भी दिल खोल करके आप इस छोटे से बच्चे के लिए दान पुण्य कर सकें, ये बहुत ही सराहनीय होगा। थैंक यू सो मच सर, आप कहेंगे तो जरूर लोग जी। और नहीं, ये कहने लायक है नहीं, लेकिन फरा अपनी तरफ से भी मैं एक दान करना चाहूंगा, कितना करूंगा ये आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ बोलना sir, हमें I'm अच्छा so नहीं लगता है। थैंक यू सो मच। नहीं, नॉट एट ऑल, मैं चाहूंगा कि बहुत से लोग सामने आए और अपना दिल खोलें इस प्यारे से बच्चे के लिए।
खेल को आगे बढ़ाते हैं। आठवां प्रश्न है 80,000 रुपए के लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और पैजामाज आर फॉर गिविंग, ये दोनों उपन्यास किस अभिनेत्री द्वारा लिखे गए? पैजामाज आर फॉर गिविंग, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद एंड पैजामाज आर फॉर गिविंग आर बोथ नॉवेल्स बाय विच एक्ट्रेस? और आपके विकल्प रहे ये आपके सामने, ए ट्विंकल खन्ना, बी अनु अग्रवाल, सी शिल्पा शेट्टी, ये डी सोहा अली खान। बोलो। 500% ए ट्विंकल खन्ना। क्यों रहे? जी कंफर्म सर, कंफर्म। शिल्पा ने सिर्फ योगा की बुक लिखी है। अच्छा, क्या करें सर? लॉक कीजिए। बहुत जोर से बोल रहे हैं फारा जी, ए को ताला लगाया जाए। क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया। दीपिका जी, आप जो मुस्कान देती है ना, उससे हमको लगता नहीं कि हम खेल खेलें। हमको लगता है कि मैं आकर के फराज जी के बगल में बैठ जाऊं। सर मेरे नहीं, नहीं, उधर तो हॉट सीट हो जाएगी। नहीं नहीं, वहां नहीं बैठना। ऑलराइट, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और हम आपको चित्र दिखाएंगे। इस पक्षी को पहचाने जिसके पंखों का फैलाव दुनिया में किसी भी पक्षी से ज्यादा होता है। आइडेंटिफाई दिस बर्ड विच हैज द लार्जेस्ट विंग स्पैन इन द वर्ल्ड। कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया। ऑप्शंस रखूं आपके सामने? ऑलराइट। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए एंडियन कॉन्डोर, बी वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस, सी मरीबो स्टॉक, और इज इट डी गोल्डन ईगल। सर मुझे लग रहा है कि ये पहले मैंने कहा था देखने से पहले कि एल्बेट्रॉस कहते हैं कि सबसे ज्यादा विंग स्पैन एल्बेट्रॉस का जो सेलर्स सी, इट्स अ सी बर्ड, तो वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस आया है, तो आई थिंक वी शुड गो विद ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस। सहमत हैं आप दीपिका जी? बिकॉज इट्स कंफर्म। यस सर। लगा दें ताला? सर लगा दो। वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस बी, ताला लगाइए। क्या कहा था आपने, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर मुझे याद था कि एल्बेट्रॉस हैज अ वाइडेस्ट विंग स्पैन, सेलर्स को गाइड करता है ये बर्ड। महाराज जी लगता है बहुत तैयारी करके आए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वन पॉइंट फॉर वॉन्डरिंग एल्बेट्रॉस। दुनिया के सबसे बड़े पंखों वाले पक्षी होते हैं जो उप एंटार्क्टिक महासागरों में पाए जाते हैं। हाँ, इनके पंख सभी पक्षियों से सबसे ज्यादा लंबे होते हैं, लगभग 11 फीट तक फैल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों हुआ है। ऑलराइट, नौ प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 1,60,000 रुपए आप जीत गई। यस सर। और दीपिका पडुकोण जी हैं, फराह खान है, क्या बोलें इसके बाद। इससे पहले कि हम अगले प्रश्न पर जाएं, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव है, 3,20,000 रुपए, एक ऐसा ही सवाल पूछ रहा हूं। हाँ जी सर। कि परा जी, हमने सुना है और हम जानते भी हैं कि जितने भी कलाकार हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, दीपिका जी तो हैं और एक बहुत जीता जागता उदाहरण है, यह आपके बगल में बैठी हैं, और उन सबको आपने चांस दिया है, एक मौका दिया है फिल्मों में आने, है कि नहीं सर? भाई साहब सुन लीजिए, ये जो शख्स आपके सामने बैठा है सर, इसको आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपको भी मौका मिलना, मैं दूंगी? सर मैं आपके योग्य नहीं हूं, आपके लायक अच्छा, नहीं। ये सब डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, निर्माता हैं, निर्देशक हैं,
कोरियोग्राफर हैं, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको Sir, मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं आपको अपने पिक्चर में लेना चाहती हूँ? आप तो सबका ड्रीम होते हैं। नहीं नहीं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं, आप सब तो बोल दीजिए। सच में बोलती हूँ। कभी आप हमको फोन करके बोलिए ना, सर आपको ऑडिशन में आना, तो मैं आ जाऊंगा ऑडिशन के लिए। सर, क्या सर, कि वो मुझे आप शर्म, सर अभी हम करते हैं एक सीन। फारा मैंने मुझे तक ऑडिशन नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपको तो करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अगर किया होता तो अब तक रोल नहीं मिल जाता हमको। कितने फिल्मों में आपको, मतलब मेरी लाइफ की इच्छा है कि हु विल नॉट वांट टू डायरेक्ट अमिताभ बच्चन, यार प्लीज, मतलब। अच्छा, ऐसे खामखा खामखा ताली बजा रहे हैं आप लोग। सर मैं क्या बोल रही हूँ कि हम आए हैं यहाँ और दीपिका भी है और आप भी है, मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए आपको डायरेक्ट करने का। अच्छा चलिए, अनुमति देते हैं हम दीपिका। चलो, आ जाओ। क्या खड़ा होना पड़ेगा? आओ सर, आप आइए इधर। पर क्या करना होगा बताती हूँ ना। ओके ओके, अब दीपिका जब यहाँ है, जो उस डायलॉग की मालकिन है, तो विच वॉज एक चुटकी सिंदूर जी, उसके जैसे हम एक सीन करते हैं। ओके okay. तो मैं रमेश बाबू नहीं, यू आर, यू विल डू एंड ही विल फॉलो यू। ओके हाँ, आप सर अपने बैरिटोन में लाइक ना, बैरिटोन के मतलब लाइक द ग्रेट अमिताभ बच्चन। अच्छा, हम लोग की दूरी जो है वो इतनी रहेगी? नहीं सर, आप लोग पास में आ सकते हैं, मैं हट जाती हूँ यहाँ से। पूछ लेना बहुत आवश्यक है। रमेश बाबू कहाँ है? मैं रमेश बाबू। यार रमेश बाबू, बट उधर देख के करना है ना, इधर देख के करना है। रमेश बाबू कैमरा है सर, आपको इनको फॉलो करना है दीपिका। अच्छा, मैं इनको फॉलो करूंगा। अच्छा ठीक है सर, आपको पहले, अच्छा आप डायरेक्ट करेंगे, सॉरी। रेडी? हाँ जी। एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? सर रुकिए ना सर, वन रीटेक, रीटेक सर, थोड़ा आराम से सर। यू हैव ऑलवेज लिसन टू योर को स्टार्स। सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूं। रीटेक, शॉर्ट वन, टेक टू। सॉरी, एक चुटकी सिंदूर एंड एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, आगे चल, जो आगे भी है। कंटिन्यू। सुहागन का सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। सुहागन का सर का ताज होता है रमेश बाबू। रमेश बाबू, कंटिन्यू कंटिन्यू। सुहागन का सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। सुहागन का सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर रमेश बाबू। क्या जाना तुम? हर औरत का, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। ऐसे सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है, और मेरा भी, कि मैं उनके बगल में जाकर के खड़ा हो सकूं। हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। नहीं सर, ऐसे नहीं सर, एक चुटकी सिंदूर। ओके, एक चुटकी सिंदूर। सर सर सर, थैंक यू कृष्णा, बात है सर। सर आज आपने एक औरत का ख्वाब पूरा कर दिया। अरे सुनिए मेरी बात, ख्वाब तो मेरा पूरा होना चाहिए ना। हाँ, इतना ऑडिशन कर दिया, अब कौन सी पिक्चर में लेंगी सर? अब मैं अब सोलो आपके साथ पिक्चर बना। हाँ जी, सोलो आप होंगे उसमें। ओके ठीक है, कोई और नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, बस ये कमिट कर दिया आपने। इसको ले ले, सार्वजनिक हो गई है ये बात। सर इसको ले ले पिक्चर में। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सर मुझे ले लो। नहीं बट आपको और कोई चाहिए होगी तो आई एम ओके। नहीं नहीं नहीं, हम आई एम हैप्पी। हाँ ओके, चलो हो गया, नेक्स्ट।
और चेहरे पे जो मुस्कान आ गई है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। अब तो इसके बाद मैं हंसते हंसते ही बोलता रहूंगा। देवियों सज्जनों नमस्कार, खेल को अब हम आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने 10वां प्रश्न आने वाला है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव। यहाँ पर आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं सर, नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलत उत्तर दे दिया ना तो गिर जाएंगे आप 10,000 पे। चारों लाइफलाइन जीवित हैं आप। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये है एक ऑडियो प्रश्न। ये गाना किस खेल पर आधारित एक फिल्म से है? अच्छा, देखिए ये जब तक ऑप्शन नहीं आता कैसे आप लोग खुसुर खुसुर शुरू कर देते हैं। ए एथलेटिक्स, बी कबड्डी, सी हॉकी या डी बॉक्सिंग। सर अभी यहाँ कुछ भी हो जाए 3,20,000 तो हम लेके ही जाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस की क्या सर बात? सी हॉकी। सी हॉकी कह रही है, ताला लगाया जाए। जीत गई आप 3,20,000। ये दोनों जो आपका फाउंडेशन है और अयांश के लिए ये 3,20,000 रुपए का चेक बन चुका है। बोन ये मत लेना सर, हम 1 करोड़ लेके जाएंगे। देखा? Yes, 3,20,000 रुपए हो गया। अच्छा अभी हम इसको यही रखेंगे। If I may share a small anecdote, इसी टाइम को फारा ओम शांति ओम कास्ट कर रही थी और उन्होंने मुझे ब्लॉक किया था और कहा था कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी और मैं शाहरुख से मिलके मैं आऊंगी एंड आई हैव टू कन्विंस हिम। शाहरुख को शूटिंग फॉर चक दे, ही वाज शूटिंग फॉर चक दे इन ऑस्ट्रेलिया। ओके ओके। एंड शी सेड आई एम कन्विंस्ड बट यू नो ही हैज टू अप्रूव। तो फारा टुक ऑल माय वर्क और ऑस्ट्रेलिया गई एंड आई थिंक व्हेन शी केम बैक मुझे इस ओम शांति ओम के लिए कंफर्म किया गया। तो सर क्या मुझे कन्विंस करना था शाहरुख को? हां जी, शाहरुख को कन्विंस करने के एक मैंने फोटो दिखाई कि मैं इसको ले रही हूँ, उसने फोटो देखी और बोला वाह क्या बात, डन। देवी जी एक प्रार्थना, हमारा फोटो भी दे दीजिएगा, हमको भी नौकरी वोकरी मिल जाए। ओके, कुछ चीजें बता दूं आपको। एक तो यहाँ पर हमारा जो सप्तकोटि द्वार है ना, 16वां प्रश्न 7 करोड़ का, वो द्वार खुल जाता है। दूसरी बात, ये जो दुगदुगी जी है ये गए अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग करने, अब शांत हो गए। आपके पास समय समय है, चारों लाइफलाइन इस प्रश्न पर आकर के बहुत कम देखा गया, तो बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, ठीक है? ऑलराइट, 6:40 के लिए 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? Who was the first foreign citizen to be awarded a Bharat Ratna? और आपके विकल्प आपके सामने ये रहे, ए खान अब्दुल गफार खान, बी मदर टेरेसा, सी नेल्सन मंडेला, डी ओंग सान सू ची। समय ही समय है आपके पास, सही उत्तर देंगे आपको 6,40,000 रुपए। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन? सर मुझे लगता है मदर टेरेसा है, शी वॉज अ फॉरेन सिटीजन बट वो इंडिया में रह रही थी एंड ऑब्वियसली शी डिड अ लॉट फॉर आवर कंट्री। सो ऐसे अभी वो फर्स्ट फॉरेन सिटीजन, फर्स्ट थी के सेकंड थी वो नहीं मुझे। ऑडियंस बोल है 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है, आस्क द एक्सपर्ट। सर आई थिंक वी विल आस्क द एक्सपर्ट। यू आस्क द एक्सपर्ट? यस। ऑलराइट, आमतौर पर आस्क द एक्सपर्ट जो है वो आगे चल करके यूज करते हैं, लेकिन जैसा आप चाहें। नो, वी विल सेव हिम। 50-50। श्योर? यानी आपके मन के अंदर दो ऐसे विकल्प हैं जिनमें से सही हो सकता है। हां,
बट नाउ वी आर बिकॉज आई हैव सेड मदर टेरेसा द ऑडियंस माई प्रेस मदर टेरेसा आई फील दे मे बी 50-50 करना चाहेंगे यस सर आप जो मर्जी चाहें कर सकते 50-50 करेंगे ऑलराइट इस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी 50-50 लाइफलाइन को और जैसा कि आप जानते हैं दो जो गलत ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे हाँ जी मिटा दीजिए कंप्यूटर जी जहां जाना चाह रही थी आप वो मिट गया थैंक गॉड अब आपके पास बचा है ए खान अब्दुल गफार खान सी नेल्सन मंडेला सर वी थिंक इट इज ए खान अब्दुल गफार खान कंफर्म गट ओके कंफर्म कर दिया ए अब्दुल गफार खान क्यों आपको लगा कि ये होना चाहिए सर बिकॉज नेल्सन मंडेला लुक्स ऑड वो भारत रत्न क्यों मिलेगा उनको आई वाज श्योर मदर टेरेसा क्योंकि वो बहुत यहाँ ऑल काम किया इंडियन आपको बताना चाहता हूँ कि मदर टेरेसा बिकेम एन इंडियन सिटीजन ओ और ये बता दूं कि ये दोनों को भारत रत्न मिला हुआ इसलिए आपका उत्तर बिल्कुल सही पाकिस्तान के खान अब्दुल गफार खान को भारत रत्न से 1987 में और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को 1990 में सम्मानित किया गया था ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सिर्फ दो विदेशी नागरिक हैं मदर टेरेसा को जब ये सम्मान मिला था तब वे भारत की नागरिक बन चुकी थी और इन्हें 1980 में ये सम्मान मिला था लेकिन फॉरेन नेशनल नहीं इंडियन ओके ऑलराइट 6,40,000 रुपए जीत लिए आपने एक लाइफलाइन चली गई है और मैं अपने बताना चाहता हूँ अपने देवियों सज्जनों कि आज इस मंच में कुछ बहुत ही अनोखा हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर मेरे होठ ही नहीं दिल भी जो है वो मुस्कुरा रहा था और मैं चाहता हूँ कि ये जो मुस्कुराहट है ये आपके दिलों पर भी छाए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कैन वी सी व्हाट वी आर गोइंग टू आज मैं रवि सरगम और रिधि से मिलने वाली हूँ जो मेरी जर्नी जो है मेंटल हेल्थ को लेकर फॉलो करते आ रहे हैं और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं यहाँ हूँ 2016 में मैं अपनी माँ को खोया था टू द बैटल ऑफ लिवर सिरोसिस मेरे दोस्त ने नोटिस किया कि मैं ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा कि आप मदद क्यों नहीं लेती है एंड आई वॉज इन डिनाइल क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक रेडियो जॉकी हूँ लोगों को लगेगा कि अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा दीपिका का एक इंटरव्यू देखा वेयर शी सेड कि शी हैड डिप्रेशन एंड उनको पता नहीं था कि क्यों डिप्रेशन है आफ्टर वॉचिंग दैट इंटरव्यू मेरे लिए वो आई ओपनर था बिकॉज उसके बाद आई स्टार्टेड टू प्रायोरिटाइज माई मेंटल हेल्थ मेरे जो रिलेटिव थे फैमिली मेम्बर थे एयर फोर्स वाले थे कि नहीं इसको सच में प्रॉब्लम थी वो इसलिए पता लगा उनको कि दीपिका जी ने उसके बारे में बताया उससे पहले वो सोचते थे अरे इसको कोई मेंटल इलनेस है और ये तो ऐसे ही ड्रामे कर रहा है मैं अपना स्टोरी शेयर करने वाली थी लेकिन इस दौरान मैंने दीपिका को बहुत फॉलो किया और मैंने एक मेल भेजा उनको मैंने 2 days लेटर व्हेन आई वोक अप देयर वाज दिस पर्सनल मेल दैट केम इन माय मेल बॉक्स थ्रू दीपिका एंड आई वाज So taken aback, it was beautiful. उन्होंने मेरी जर्नी को अपना बना लिया because she said that you're not alone in this, we are together. Oh my God! Are you seriously there? Is this an eye opener? Yes! Ravi Khan ji, कैसे हैं आप? Very fine, very good. Are you sure? Oh, yes! मुझे याद है कि मैंने इतने दिन माइक चालू किया है लोगों को हंसाया है माइक बंद करके नीचे बैठ के मैं इतनी रोई हूँ क्योंकि इट्स अ डार्क टनल इट्स अ वेरी डार्क टनल बहुत लोगों को लगता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो आपके पास पैसे हैं तो आपको डिप्रेशन कैसे हो सकता है
डिप्रेशन एक इलनेस है, जैसे लोगों को डायबिटीज़ होता है, लोगों को कैंसर होता है, वो एक इलनेस है जो हमारे हाथ में नहीं है। ये चीज़ थॉट था मेरे मन में कि जब मैं मेरी स्टोरी में शेयर करूँगी दुनिया के साथ, अगर मैं एक भी ज़िंदगी में अफेक्ट कर सकती हूँ पॉजिटिवली, तो मेरा काम हो गया। एनी टाइम यू नीड एनी हेल्प, हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू, सो प्राउड ऑफ यू, सो 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 प्राउड ऑफ यू। दीपिका जी, इस नए काम के लिए जितनी भी इन्होंने सराहना की जाए उनकी, वो कम होगी। जो लोग भी पीड़ित होते हैं ना, मानसिक स्थिति जिनकी ख़राब होती है, उनके लिए ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जी, लिव लव एंड लव। अभी जो आपने वीडियो देखा सर, मैं उन सब से रिलेट करती हूँ, क्योंकि आई हैड द सेम एक्सपीरियंस। जब भी मैं लोगों को मिलती हूँ और वो लोग मुझे कहते हैं कि यू नो यू इम्पैक्टेड माई लाइफ और द फाउंडेशन हैज़ इम्पैक्टेड आवर लाइफ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू एवरीवन। और बहुत बधाई आपको दीपिका। दीपिका, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है ये, आपको कैसे पता चला कि आप पीड़ित हैं इससे? सर मुझे, यदि आप बात करना चाहें उसके बिल्कुल बारे। बिल्कुल, सडनली मुझे ऐसे लगा कि मेरे पेट में एक अजीब सा एक फीलिंग होता था, लाइक एक खालीपन मैं महसूस करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे काम पे नहीं जाना है, मैं किसी को मिलना नहीं चाहती थी, मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। काफ़ी बार आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट जीने की जो आई डिडंट फील लाइक लिविंग एनी मोर। आई फेल लाइक आई हैड नो पर्पस, और मैं बार बार रो पड़ती थी। तो जैसे मैं सीन करती हूँ, मैं न्यू हैप्पी न्यू ईयर के लिए मैं शूट कर रही थी, और जैसे ही शॉट खत्म होता था, मैं अंदर मैं वैन में जाके मैं रोती थी। और मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ, या मैं ऐसे फील क्यों कर रही हूँ। और मेरे माँ बाप बैंगलोर में रहते हैं, और वो मुंबई आए थे, और एक दिन वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, और अचानक फिर से मैं रोने लगी। और तब मेरे मम्मी ने नोटिस किया कि मेरे रोने का जो अंदाज था वो कुछ अलग था इस बार। इट वॉज नॉट द यूजुअल क्राइंग कि कुछ ब्रेकअप हुआ है, या किसी के साथ लड़ाई हुआ है, या किसी ने कुछ कहा। जिस तरह से मैं रो रही थी वो बहुत ही अलग था, इट वॉज लाइक अ क्राई फॉर हेल्प। और उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि आप प्लीज आप साइकियाट्रिस्ट को फोन करें, जो नॉर्मल डॉक्टर से अलग होते हैं। और जैसे ही मैंने उनको फोन लगाया, उन्होंने कहा कि आपको तुरंत अपॉइंटमेंट लेना है और आपको आके मुझे मिलना है, बिकॉज शी कुड मेक आउट इन माई वॉइस कि मैं बीमार थी। आफ्टर दैट बहुत महीनों के बाद मैं ठीक हुई। बट मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो आप एक बार वो हो गया तो यू कैंट फॉरगेट अबाउट इट, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप। जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ हो, या जब कैंसर होता है, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप टेकिंग केयर ऑफ, यू हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। तो वो सब मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है मेरी लाइफ। हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और कभी भी ऐसी स्थिति में आप ना जाएं। थैंक यू। लेकिन आपने अपनी व्यक्तिगत बात को हम सब के सामने आपने इसका वर्णन किया है, इससे न जाने बहुत से लोग जो हैं प्रभावित होंगे और सोचेंगे कि ये अगर आपके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच दीपिका फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल डिस्क्रिप्शन। बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको। बारहवां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। विमिल्डन के पुरुष एकल ट्रॉफी के शीर्ष पर किस फल की आकृति को दर्शाया गया है? खुजुर-फुजुर चालू हो गया। What fruit is depicted on the top of the Wimbledon men's singles trophy? Options ये रहे, A strawberry, B pineapple, C bunch of grapes, D apple.
सर हमको ट्रॉफी की फोटो दिखाई जाएगी. I'll quickly Google it. मार देंगे ये हमको. They've, I think they've purposely put strawberry because at Wimbledon strawberries are popular. Is it a bunch of grapes? It's not a bunch of grapes. It's pineapple. Sure. Yeah. सर दीपिका श्योर है कि बी पाइनएप्पल है. श्योर है ये? हाँ ये बहुत विंबलडन देखती है और गई भी है देखने में लाइव इवेंट. आफ्टर दिस इफ आई गेट इट रॉन्ग मुझे नहीं पता. बोलिए. सो आई थिंक इट्स बी पाइनएप्पल. आप जैसा कहें. सर मैं तो स्पोर्ट्स में जीरो हूँ. खेलने को कौन कह रहा है? हम तो बोल रहे हैं कि नॉलेज स्पोर्ट्स इज नॉट माय फोर्टे. ओके आपके कितने मित्र हैं वो खेलते नहीं हैं? आपने देखा नहीं उनको? सानिया ना? हाँ सानिया. हाँ बट वो विमेन्स खेलती है ना, ये मेंस की ट्रॉफी है. बताइए क्या करें? I know. Oh, we've already taken this. हाँ. Should we try this? But why use it? No. Tell me, Pineapple. If it's wrong, then I will kill you. Grapes. Why do you think it's a bunch of grapes? I don't know. But it just seems like an odd thing. Strawberry bhi ho sakta hai. Wimbledon mein strawberry aur cream bahut famous. So I think it's a trick question because the strawberries and cream is famous outside Wimbledon. But I think what is on the trophy is the pineapple. Close your eyes and think on the trophy. Yeah. I'm very sure it's bee pineapple. So say bee pineapple. Okay. क्या करेंगे? Confirm बोलना पड़ेगा. Say bee pineapple. अगर आप sure हैं तो. Say it. Should we? No. Lifeline है हमारे पास but. Bee pineapple को lock किया जाए. Bee pineapple को बोल दिया है confirm करने के लिए computer महाशय. क्या बताएं? आपने क्या कहा था कि विंबलडन में क्या मिलता है खाने को ज्यादातर? सर स्ट्रॉबेरी. ऐसे मुझे लगा कि स्ट्रॉबेरी मिलती है वहाँ, फेमस है. नहीं नहीं बहुत फेमस है. सही कहा आपने. अच्छा अचानक ऐसे ही क्यों स्ट्रॉबेरी फेमस होगी? इतने ज्यादा फल है ये वो है. सर मैंने कहा ये इसका फॉल्ट है, मैंने कुछ नहीं कहा. आप लोग दोनों एक टीम बना करके खेल रहे हैं. सर आई बिलीव हर, शी सेड स्ट्रॉबेरी वहाँ इसलिए मिलती है क्योंकि जो मेंस ट्रॉफी है उसके ऊपर जो छवि है वो स्ट्रॉबेरी की नहीं है. बिल्कुल सही जवाब. माय गॉड यू गेट द राइट आंसर. इज द राइट आंसर. व्हाट आई न्यू शी विल गेट इट. 12,50,000 रुपए जीत लिए आपने. वाह क्या बात. ओ माय गॉड ये गई है बहुत टाइम विंबलडन लाइव देखने. जाना और देखना ये अलग बात होती है लेकिन वेल प्लेड दीपिका. बिल्कुल सही. अच्छा एक ऐसे ही काम के क्षण की बात करते हैं. हाँ जी. दीपिका फरा ने आपको कभी डांटा है सेट वेट के ऊपर? सर कब नहीं डांटा है. अरे यार सर ये रॉन्ग है. नहीं नहीं हमने सुना है कि आप बहुत डांटती हैं और इसका एक जीता जागता रूप जो है वो आपके सामने भी बैठा हुआ है. क्या बात कर मैं सही कह रहा हूँ आपको? मैं आपको बताऊँ दीपिका, एक गाना था हमारा जिनकी ये कोरियोग्राफ कर रही थी और गाना था अभिषेक और मेरे साथ, हम दोनों थे उस फ्रेम में और ऐसे एक टोपी ले करके ऐसे से घड़गड़ घड़गड़ करके सर पे आनी थी और न जाने कितनी बार हमने उसका रिहर्सल किया वो जा ही नहीं रही थी. बहुत जोर से डांटा है. ए गेट इट राइट हु डू यू थिंक यू आर. सर आई वाज टेलिंग नो आई वाज टेलिंग दैट टू अभिषेक. सर अभिषेक का तो सीधे जा रहा था. सर बट आई वाज टेलिंग हिम ओनली. नहीं 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 आप हमसे कह रहे थे जो भी कर रहे थे वो ही सही था. अंत में क्या हुआ कि इन्होंने कहा ओके जस्ट डू इट यार एंड आई विल फिक्स इट इन द टेक और फिर ऐसे ही कर दिया हमने और उसको जब टोपी यहां से यहां तक चली कट कर दिया शॉट किसी और पे गए और जब यहां पर हमने हाथ में लगा करके डाल दिया तब वापस आए हमारे शॉट पे तो ऐसे लगा कि हमने पहना. सर आई नो वी आर प्लेइंग टुगेदर एंड आई विल ऑलवेज टेक हर साइड बट इस एक मामले में आई एम गोना टेक योर साइड बिकॉज़ आई हैव बीन अ विक्टिम. जोर से विक्टिम. सर मैंने आपको मैंने ना ऐसे वाया वाया आपको डांट लगाई. कितना गैप दे करके बोल रहे हैं इसका मतलब ये कहानी बना रहे हैं. नहीं सर ये नहीं. शावा में I was first time, not first time, second time I was choreographing Amit ji. और Amit ji ना
थोड़े ना स्टेप्स चेंज करते जा रहे थे जो आप जैसे उन्होंने अभी डायलॉग चेंज किया, क्योंकि ही हैड संग द सॉन्ग, ही हैड कंपोज द सॉन्ग विद आदेश, तो ही न्यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द सॉन्ग. तो शायद मैं जो कर रही थी वो उनको सही नहीं लग रहा था. तो अभी जो कुछ आपने कहा वो सब हमने किया, तो आपने सडनली स्टेप्स चेंज करते जा रहे थे. तो अब मैं अमित जी को कैसे बोलूं, क्या हिम्मत की मैं स्टेप चेंज करूं, मुझे स्टेप ही नहीं मालूम तो चेंज कैसे करूं. फिर मैंने शाहरुख को, शाहरुख ने मुझे आके बोला कि एक काम करना, तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो जाना. आई टू शाउटेड शाहरुख, शाहरुख व्हाट आर यू डूइंग, हाउ डेयर यू चेंज माय स्टेप. तो इसे सॉरी 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 आई थॉट दिस इज द स्टेप, ऐसे करके आपके मेरी हिम्मत सर आपको बहुत डांटा हमें. और वो टोपी वाला तो मुझे आज तक याद है सर, 10 बार आपने बोला कि टोपी बराबर कर. सर आपकी टोपी अभी आती है कि नहीं ठीक से, लेकिन सर टोपी पहना दी आपने मुझे. आ रहा है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए. और हम जानते हैं कि ये कितना मूल्यवान हो सकता है आप दोनों के काज के लिए. 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. दुनिया का पहला स्थायी फोटोग्राफ बनाने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? Who is credited to be the first person to create the world's first permanent photograph? Options A, George Eastman. B, Robert Cornelius. C, James Clerk Maxwell. D, Nisifor Nietzsche. Nisifor Nietzsche. Robert Cornelius, James Clerk Maxwell, George Eastman. समय समय आपके पास सोच लीजिए, सलाह मशवरा कर लीजिए आपस में. सर बिल्कुल भी श्योर नहीं है. इट कुड बी जॉर्ज ईस्टमैन, क्योंकि ईस्टमैन कोडैक वो सबसे पहले फिल्म और फोटोग्राफ्स, बट वी आर नॉट श्योर, सो वी वुड लाइक टू फ्लिप द क्वेश्चन. फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफ लाइन ले. ऑलराइट, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दिया जाए. तो इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा, उसके बारे में अभी हम बताते हैं. लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए. किसी एक को गेस कीजिए. सर ए जॉर्ज ईस्टमैन, यू आर सेइंग कॉर्नेलियस. या आई एम जस्ट टेकिंग अ वाइल्ड गेस, रॉबर्ट कॉर्नेलियस. वो कह रहे हैं वाइल्ड गेस में बी रॉबर्ट कॉर्नेलियस, और आई एम सेइंग जॉर्ज ईस्टमैन. अब क्या है, एक उत्तर दीजिए. ओके, जॉर्ज ईस्टमैन. जॉर्ज ईस्टमैन को थोड़ा लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं. ये गलत होता है. सही उत्तर है निसिफोर नीत्शे. ये निसिफोर नीत्शे एक फ्रेंचमैन है, फ्रांसीसी आविष्कारक थे, जो कि स्थायी फोटोग्राफिक छवि बनाने वाले पहले व्यक्ति बने. तो ईस्टमैन जो था वो रोल फिल्म, अच्छा हाँ, उसके उन्होंने फिल्म जॉर्ज ईस्टमैन. जी, दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, तो एक सूची आपको दी गई थी कुछ विषयों की. हाँ सर, ये बताया गया था कि अगर आपने फ्लिप द क्वेश्चन लिया तो ये है वो सूची. हमने आपसे कहा था किसी एक विषय को चुने. एंटरटेनमेंट चूज किया था. एंटरटेनमेंट, ऑल राइट. तो मेरे महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन जो है दीपिका के लिए और फरा के लिए सामने पेश किया जाए. ये प्रश्न हट गया, नया प्रश्न आ गया. फरवरी 2020 में सबसे अधिक भाषाओं में फिल्मों के संपादन के लिए इनमें से किस फिल्म एडिटर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? इन फरवरी 2020 विच फिल्म एडिटर एंटर्ड द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फिल्म्स एडिटेड इन द मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज. एंड योर ऑप्शंस आर ए, इट्स नॉट ऊपर ऊपर का एंट्री, श्रीकर प्रसाद. बी बी लेनन. सी एन बी श्रीकांत. डी रेणु सलूजा. रेणु सलूजा डाइड सम 20 इयर्स बिफोर. एंटरटेनमेंट चुना है, आप निर्माता निर्देशक रह चुकी हैं. हाँ सर, और मेरे हस्बैंड एडिटर भी हैं. जी बिल्कुल,
बट वो इन लिम्का में नहीं गए, बुक में नहीं गए. सर वी वुड थिंक इज ए ए श्रीकर प्रसाद. ओके यू आर थिंकिंग दैट. अब गेस कर रही है आपको श्योर मालूम है? हम लोग अभी गेस कर रहे हैं, अभी गेस वर्क पे आ गए हम लोग. अगर आप श्योर नहीं है तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. 25 लाख रुपए का प्रश्न है, सोच लीजिए इसमें, और आपके पास दो जीवित लाइफलाइन है. सो सर वी आस्क, वी हैव, वी आस्क द एक्सपर्ट. लाइफलाइन लेना चाहिए? यस सर. ओके, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सही कर रहे हैं, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया. और बारी आ गई है राजीव जी आपकी. राजीव जी प्रकट होइए हमारे सामने. राजीव जी इज लुकिंग हैंडसम, ही वांट, वी कैन डिस्प्यूट हिज आंसर. राजीव जी एक प्रश्न मैं पढ़ के सुनाऊंगा, हालांकि आपने सुन लिया होगा, पता नहीं इसका उत्तर आप दे पाएंगे कि नहीं, थोड़ा मुश्किल है. हाँ, बहुत मुश्किल है. फरवरी 2020 में सबसे अधिक भाषाओं में फिल्मों के संपादन के लिए इनमें से किस फिल्म एडिटर का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? ए ए श्रीकर प्रसाद, बी बी लेनिन, सी एन बी श्रीकांत, डी रेणु सलूजा. 60 सेकंड. दीपिका, you know, usually मेरे को सारा कुछ पता होता है, unfortunately नहीं. Actually let me stop this acting, ये सिर्फ फरा के लिए audition थी. I do know the answer. Oh thank God, Rajiv. So I'll tell you, 17 languages में इन्होंने जो है films edit की हैं, and the answer is the one you were going for. A Shrikar Prasad, A 17 languages. Hats off to this man, man. I mean, how does he do it? Sir, मेरा क्या करेंगे आप? तो we'll go with Rajiv and I also. वो कह रहे थे कि उनको ठीक से पता नहीं, लेकिन नहीं सर, मैंने मेरा भी पहले था कि ए श्रीकर प्रसाद इज अ वेरी प्रोलिफिक एडिटर, मैंने काफी फिल्में की है, तो लॉक कर दो ए. तो 100% बोल रहे हैं ए, लॉक कर दो ए पे. कंफर्म्ड है, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. आई नो. वेल प्लेड राजीव, दिस इज द राइट आंसर. 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं. Yes. Thank you. Congratulations. Well done. Beautiful. वाह, बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये राजीव. Thank you so much, राजीव. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. तो 25 लाख रुपए आप दोनों ने जीत लिया है, और अब बारी आ गई है 50 लाख रुपयों की. ये है 14. This is not fair. और जोर से बोलो ताकि सुने ये. हम नहीं जाएंगे. अरे 50 लाख रुपए अभी इनके पास एक लाइफलाइन. Just one more question, sir. हाँ. We're doing a movie also together now. Sir, I'm to casting you also, sir. सर हम ऑडिशन भी करेंगे. सर हम डांस करने को भी रेडी हैं. दो चार चीजें और जल्दी से बोल दीजिए. सर अभी अभी हम क्या करेंगे? मेरा एक बच्चा ले लो. ए भगवान. अरे एक इतना मुफ्त इंसान हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है. 25 लाख रुपए आपने जीते हैं, और ये जो जीती हुई रकम है ये आप दोनों के फाउंडेशन में डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी. यहाँ पर आपके फाउंडेशन का नाम, आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है. ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे. 25 लाख रुपए यहाँ भरना पड़ता है. 25 लाख रुपए भर दिया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए कि आप दोनों के अकाउंट में पहुंच गया ये पैसा. वाओ, तुरंत शीघ्र इसी वक्त. बहुत बहुत बधाई. देवेंद्र संजू फारा खान, दीपिका पादुकोण के साथ शानदार शुक्रवार भले ही यहीं पर समाप्त हो गया हो, लेकिन गुरु शिष्य डायरेक्टर एक्टर जोड़ी की ये शानदार यात्रा जो है लगातार चलती रहे और सफल भी होती रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ. जी, तो देवियों सज्जनों, अब हमारी और आपकी मुलाकात जो है वो सोमवार को होगी. तब तक के लिए शुभरात्रि, 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 गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.